बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में पुरानी दिल्ली स्टाइल मटन कौरमा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो कौरमा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg मटन और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और मैं कढ़ाई के अंदर बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो पतीला या भगोने के अंदर बना सकते हैं, लेकिन कुकर के अंदर बनाने से वो टेस्ट नहीं आता जो पतीला और भगोने के अंदर बनाने से आता है। खैर, अब इसके अंदर 150 ग्राम दही शामिल करेंगे। ये होममेड दही है और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और साबुत गरम मसालों में मैंने लिया है 4 से 5 छोटी इलायचियाँ और 8 से 10 ब्लैक पेपर। इन सभी को डाल देंगे और अब 3 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे, ये होममेड है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 800 ml पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे और ढक देंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 30 से 35 मिनट तक पका लेंगे या फिर इसे गल जाने तक पका लेंगे और इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो 35 मिनट बाद इसे खोलकर चेक करेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है और इसके अंदर पानी ज़्यादा दिख रहा है। तो अब इसे खोलकर भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फ्राइड प्याज क्रश किया हुआ शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास फ्राइड प्याज नहीं हो तो आप स्टार्टिंग में ही 3 मीडियम साइज़ की प्याज को पहले फ्राई करके बाहर निकाल लें। तो इसे मैंने काफ़ी अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची का पाउडर बना लिया था, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे और ढक देंगे। इसे लास्ट में डालने का रीज़न ये है कि हमारे कोरमा के अंदर खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बनी रहे। अब इसे ढक देंगे और 2 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। आप इसके अंदर ग्रेवी अपनी च्वाइस से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसके अंदर 2 बूंद केवड़ा एसेंस डालेंगे और इसे ढक देंगे और 2 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, आप इसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। पूरा घर हमारा खुशबू खुशबू हो गया है। तो आप भी बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे आप तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।